ऑल राइट, सो वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे आज का वीडियो किस टॉपिक के बारे में होने वाला है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये गलतियां स्टॉप नहीं की तो आपके बालों की क्वालिटी खराब नहीं होने वाली, आपके बालों की क्वालिटी बर्बाद होने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, ये भी हो सकता है कि उम्र से पहले आपके बाल सारे चले जाए या फिर आपको रिसीडिंग हेयरलाइन का भी बहुत गंदा वाला प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये वीडियो पूरा देखना और कमेंट में जरूर बताना आप इसमें से कौन सी गलतियां कर रहे हो। सबसे पहली, सबसे बकवास, सबसे गंदी मिस्टेक आती है अपने स्कैल्प को क्लियर ना करना। हम एक्चुअली हमारे बालों को स्टाइल करने के लिए ना बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि हेयर वैक्स यूज किया, हेयर स्प्रे यूज किया, हेयर जेल यूज किया। अब ये सारी जो चीजें है ना, ये थोड़ी बहुत आपके स्कैल्प पे भी रह जाती है। और अगर आपको ये लग रहा है ना कि शैम्पू करने से ये सब निकल जाता है, तो नहीं मेरे भाई, ये नहीं निकलता। इसका जो रेसिड्यू है ना, ये आपके स्कैल्प पे रह जाता है। और जब ये चीज रह जाती है तब ये क्या करती है, ये आपकी जो हेयर ग्रोथ है ना उसे स्टॉप करती है और आपके बाल टूटने शुरू हो जाते हैं। तो इसे क्लीन करना, आपके स्कैल्प को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे आपकी स्किन के ऊपर डेड स्किन सेल आते हैं ना, फिर हम क्या करते हैं, हम स्क्रब का यूज करते हैं इसे रिमूव करने के लिए, हम इसे एक्सफोलिएट करते हैं। सेम वैसे अगर आपका जो स्कैल्प है ना, इसमें रेसिड्यू जमा हो चुका है, तो इसे भी एक्सफोलिएशन की जरूरत है। अब इसके लिए हम एक DIY देखने वाले हैं। ये चीज आप घर पे ही बैठ के इजीली बना सकते हो। आपको बस तीन चीजें चाहिए। सबसे पहली है लेमन, दूसरी है सी सॉल्ट और तीसरी चीज है ऑलिव ऑयल। अब ये जो लेमन है ये बहुत अच्छे एक्सफोलिएटर का काम करता है और ये आपकी डेड स्किन सेल को रिमूव करेगा। इसके अलावा जो सी सॉल्ट है ना, ये आपके लिए स्क्रब ग्रेनुल्स का काम करेगा। और तीसरी चीज जो ऑलिव ऑयल थी ना, वो क्या करेगी, वो आपको विटामिन ए और विटामिन ई देगी। अब इन तीनों चीजों को इक्वली आप मिक्स कर लो, एक पेस्ट बनाओ और अपने स्कैल्प पे हल्के हाथों से मसाज करो फॉर एटलीस्ट 2-3 मिनट। उसके बाद जैसे आप नॉर्मली शैम्पू करते हो, कंडीशनर करते हो, बस ये आपको करना है। 2 हफ्ते में एक बार ये चीज करना, आप नेक्स्ट लेवल रिजल्ट देखोगे अपनी हेयर ग्रोथ में और जो आपका हेयर फॉल होगा ना वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। हमारी दूसरी मिस्टेक आती है अपने बालों के टाइप को और अपने स्कैल्प के टाइप को ना समझना। अब ये मिस्टेक है ना इतनी कॉमन है कि 10 में से 8 लड़के ये वाली मिस्टेक करते हैं। अब जैसे हर एक की स्किन टाइप अलग है ना, किसी की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की कंबाइन स्किन है, सेम वैसे ही सबकी जो हेयर क्वालिटी है, सबकी जो हेयर टाइप है, जो स्कैल्प टाइप है ना, वो भी डिफरेंट है। तो जो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है वो जरूरी नहीं है कि वो मेरे लिए भी अच्छा होगा। अब ये जो दिक्कत है ना, ये बेसिकली 2 प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा आती है, एक है शैम्पू, दूसरा है कंडीशनर। तो जो हाथ में आया वो शैम्पू यूज करना बंद करो और अपने बालों के टाइप के अकॉर्डिंग, अपने स्कैल्प के टाइप के अकॉर्डिंग अपना शैम्पू सिलेक्ट करो। और एक और गलती जो हम लोग करते हैं वो है, हमारा जो शैम्पू है ना बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं। वो 3-3 रुपए वाले पाउच लेते हैं, उसके बाद कभी ये लगाया, कभी वो लगाया, कभी वो लगाया, और इस चक्कर में हम हमारे बालों को एक्चुअली काफी ज्यादा डैमेज करते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, शैम्पू ऐसे हर बार चेंज मत करो मेरे भाई, कोई एक शैम्पू देख लो बेस्ट और फिर उसी के ऊपर स्टिक रहो। और अगर आपको अपनी हेयर टाइप समझ नहीं आ रही है या फिर कौन सा शैम्पू बेस्ट है ये आपको नहीं पता, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, आपका भाई उस पे जरूर वीडियो बना देगा। शैम्पू के अलावा भी एक ऐसा सवाल है जो आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा करते हो और वो है कि भैया बेस्ट हेयर ऑयल कौन सा है। तो ऑनेस्टली मैं बहुत टाइम से एक हेयर ऑयल यूज कर रहा हूं और उसके जो रिजल्ट है ना उसने मुझे बहुत इंप्रेस किया है, बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया है। और वो हेयर ऑयल है द इंडी अर्थ का एडवांस रेड अनियन ऑयल विथ रिडेंसिल 3%। अब इस प्रोडक्ट की बाकी सारी चीजों को 2 मिनट के लिए हम साइड में रखते हैं और इसमें जो एक चीज है ना वो देखो, वो है रिडेंसिल 3%। अब ये जो रिडेंसिल है ये इतना खास क्यों है, क्योंकि रिडेंसिल आपको फास्ट स्ट्रॉन्ग हेयर देता है, थिक हेयर देता है, आपके हेयर फॉल को स्टॉप करता है। इसके अलावा रिडेंसिल पता है क्या करता है, आपके स्कैल्प तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और आपके जो हेयर फॉलिकल है ना उस तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। और वो कैसे पहुंचाता है, क्योंकि वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर देता है आपके स्कैल्प तक, और इस वजह से आपके जो हेयर फॉलिकल है ना वो नरिश रहते हैं। अगर आपके हेयर फॉलिकल नरिश रहेंगे तो आपके बालों की क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव ही होगी और आपको जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम था या फिर आपके जो बाल पतले हो रहे थे या फिर आपके जो बाल जा रहे थे ना, ये उस प्रॉब्लम को कंप्लीटली स्टॉप करता है। और ये जो रिडेंसिल है ना, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है और उन सारी रिसर्च में पाया गया कि रिडेंसिल आपके बालों की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, वो आपके हेयर फॉल को स्टॉप करता है, वो न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, वो भी बिना किसी
साइड इफेक्ट के। और द इंडी अर्थ के इस ऑयल के अंदर रिडेंसिल है 3%, और इसके अलावा इसके अंदर रेड अनियन भी है, इसीलिए इसके ऊपर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा एडवांस। जब ये दोनों चीजें मिक्स होती है ना, तो आप इमेजिन करो कि ये दोनों चीजें मिलके कितने शानदार रिजल्ट देते होंगे। और इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, SLS नहीं है, पैराबेन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है। और इसके अलावा इसके अंदर करी लीफ, ब्लैक सीड ऑयल और इसके अलावा 30 अदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, नेचुरल ऑयल है। अब बात कर लेते हैं आपको इसे यूज कैसे करना है। तो इसके साथ आपको देखो ये कॉम्ब एप्लीकेटर मिलता है। अब जब भी आप इसे अपने बालों में डालो तो इसे हल्का सा एक दो बार आपको प्रेस करना है, इससे इसमें से ऑयल निकलेगा और आपका जो स्कैल्प है उस तक ये हेयर ऑयल प्रॉपरली अप्लाई हो पाएगा। इसके बाद हल्के हाथों से आपको मसाज करना है और इसे पूरी रात अपने बालों पर रहने दो। उसके बाद अगले दिन सुबह आप जैसे इसे वॉश करते हो सेम आपको वैसे वॉश कर लेना है अपने बालों को। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसे यूज कर सकते हो फॉर बेस्ट रिजल्ट। इसे परचेज करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे इजिली परचेज कर सकते हो। हमारी तीसरी मिस्टेक आती है रॉन्ग हेयर कट एंड रॉन्ग हेयर स्टाइल। इसमें मोटे मोटे 4 बड़ी गलतियां हम करते हैं। सबसे पहली गलती, हमारी जो हेयर लाइन है ना, यहाँ पे हम उस्तरा का यूज करते हैं। इसके अलावा ये जो पोर्शन है ना हमारे बालों का, हम यहाँ पे भी इस शेप को डिफाइन करने के लिए हम एक उस्तरा का यूज करते हैं। अब जब हम हेयर लाइन पे या फिर हमारे बालों के इस साइड उस्तरा का यूज करते हैं ना, तो हमें इनिशियली डेफिनेशन तो मिल जाती है हमारे बालों में, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, आपको यहाँ पे बेबी हेयर आने शुरू हो जाते हैं और वो बाल ऐसे होते हैं ना जो बहुत हार्ड होते हैं मैनेज करने के लिए। और इस चक्कर में आप क्या करोगे, बार बार इन बेबी हेयर को रिमूव करते रहोगे। अगर आपके बार्बर ने यहाँ पे जरा सी भी गलती कर दी तो आपके हेयर स्टाइल का तो सत्यानाश हो गया। इसके अलावा अगर आप बार बार यहाँ पे रेजर फिराते जाओगे, बार बार उस तरह का यूज करोगे, तो आपका जो फोरहेड का साइज है वो भी डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा। और इसके अलावा ये भी फील हो सकता है कि आपको रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी मिस्टेक आती है टेक्सचर सीजर का यूज करना। अब इस टाइप की जो सीजर है ये इसलिए यूज की जाती है ताकि आपके बालों में मैक्सिमम टेक्सचर ऐड किया जाए। अगर आपके बाल अच्छे खासे वॉल्यूमाइज है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके बाल मीडियम है या फिर अगर आपके बाल पतले है ना, तो ये जो सीजर है ये आपके लिए सबसे बुरी चीज होने वाली है, क्योंकि ये आपके बालों से जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, जो मेन वॉल्यूम है ना, वही निकाल देगी। हमारी तीसरी गलती आती है ऐसी हेयर स्टाइल सिलेक्ट करना जिसमें मैक्सिमम वॉल्यूम की जरूरत पड़े, और वो भी तब जब आपको रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम है या फिर आपके बाल जब बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, तब कम से कम प्रोडक्ट लगाना ही समझदारी वाला डिसीजन है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम के चक्कर में बहुत सारा हेयर वैक्स लगाते हैं और अपने बालों को बहुत जोर-जोर से पीछे की तरफ पुल करते हैं, जिसकी वजह से जो रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम है ना वो और ज्यादा ट्रिगर हो जाती है और जो बाल टूट रहे होते हैं वो और ज्यादा टूटने शुरू हो जाते हैं। तो कोई ऐसी हेयर स्टाइल सिलेक्ट करो जो बहुत इजी हो मेंटेन करने में, बार-बार जिसमें हाथ ना डालना पड़ता हो और इसके अलावा जिसमें ज्यादा प्रोडक्ट का यूज ना करना पड़े। चौथी गलती आती है हेयर कलर करवाना, और वो भी वैसा हेयर कलर जो आपके ओरिजिनल हेयर कलर से काफी ज्यादा लाइटर है। ये सिचुएशन में क्या होगा, आपके जो बाल है वो बहुत ज्यादा पतले होने वाले हैं। अब यहां पे दो चीजें आती है, अगर आपके बाल नॉर्मल है ना तब तो आपको ये चीज इतनी फील नहीं होगी, लेकिन अगर आपके बाल ऑलरेडी थोड़े पतले हैं ना तब तो ये चीज आपको बहुत गंदी वाली फील होगी और आपको दिखेगा कि हाँ यार इस हेयर कलर के बाद कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद आपके जो बालों की क्वालिटी है ना वो एक तो खराब हो चुकी है, इसके अलावा वो इतने पतले हो चुके हैं वो ऑलमोस्ट झाड़ू जैसे लगेंगे। चौथी मिस्टेक आती है इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस मेरे भाई, अगर आप हरी सब्जियां नहीं खाते ना तो ये एक्चुअली बहुत सही चीज है, क्योंकि हरी सब्जियां वैसे भी हमें फायदा देती है यार, और हमें चाहिए नुकसान। अगर आप भी दूधी, भिंडी, पालक की सब्जी बनने पे मुंह बनाते हो ना, या फिर अगर आप हरी सब्जियां अवॉइड करते हो, तो ट्रस्ट मी आपके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी आ सकती है, और ये जो डेफिशिएंसी है ना ये आपके बालों के ऊपर भी दिखेगी जब आपके बाल टूटना शुरू हो जाएंगे। तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाना शुरू करो, और एक और चीज, अपने डॉक्टर को पूछ के एक अच्छी मल्टीविटामिन जरूर कंज्यूम करो रोज। बहुत महंगी नहीं आती यार, कुछ 50 या 60 रुपए का पूरा पत्ता आता है, आई मीन 15 गोलियां आती है शायद। पांचवी मिस्टेक आती है कंघे का यूज ना करना। ऑनेस्टली एक चीज मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हो जो रोज अपने बालों को कंघे की मदद से स्टाइल करते हो। देखो ऑनेस्टली मैं तो यूज नहीं करता, मैं अपने फिंगर से ही अपने बालों को स्टाइल करता हूं, लेकिन ये एक्चुअली एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आप इस टाइप के कॉम्ब यूज करते हो ना तो भी ये दिक्कत देगा, क्योंकि ये आपके स्कैल्प के लिए थोड़ा सा हार्श होने वाला है। आपको एक्चुअली जो वुडन कॉम्ब आते हैं ना इस टाइप के, आपको
ये लेने चाहिए। अगर आप अपने बालों को अपने हाथ से बना रहे हो ना, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिन में एक बार एटलीस्ट अपने बालों को कॉम्ब जरूर करो, बिकॉज इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो इंप्रूव होगा, वो इंक्रीज होगा, और इससे आपके बालों तक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंच पाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वहां तक जा पाएंगे, और आपके बालों की क्वालिटी, उसकी हेल्थ, इसके अलावा उसकी ग्रोथ भी बूस्ट होगी और आपका जो हेयर फॉल है वो रिड्यूस होगा। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने सारे दोस्तों में दबा के शेयर करना जिस जिसको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक और चीज, अगर आप अपने किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट कर दो, आपका भाई जरूर वीडियो बनाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।